बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स? नाइन्थ क्लास जनरल साइंस के तमाम स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएं। आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन सा एक प्रिपरेशन पेपर तैयार करने जा रही हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह जबरदस्त आपका पेपर इसमें से ही आएगा, 110% गारंटी देती हूँ। जो बच्चा मेरी बात को पूरा समझेगा इंशाल्लाह जबरदस्त, जब आप एग्ज़ाम कर रहे होंगे, आपका पेपर हो रहा होगा, तो आप दुआ देंगे कि मैं इसको फॉलो कर कर आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा पेपर ही वो है जो टीचर ने बताया। ठीक है जी, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अच्छा, बेसिकली आज का जो हमारा टारगेट पेपर है वो मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख सकें। उमूमन आप बच्चे जो शिकायत कर रहे होते हैं कि मिस आप हमें उर्दू में बताती हैं और इंग्लिश वाले बच्चों का क्या कसूर है भाई, तो लेकिन बेटा जो टॉपिक मैं आपको बता रही होती हूँ उसके आगे हेडिंग तो डली होती है ना, हेडिंग मेंशन होती है तो आप वहाँ से पहचान सकते हो। लेकिन खैर, मैंने आप लोगों के लिए इसको अपने हाथों से टाइप किया है और बहुत बेहतरीन सा एक प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के लिए रेडी किया। उमूमन बच्चे क्या करते हैं, टैलेंट पेपर को फॉलो कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब आप लोगों की जो पहले साइंस की बुक हुआ करती थी वो एक सिर्फ नाइन्थ क्लास में होती थी, अब उसी बुक को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया गया। हाफ़ को जो आपके चैप्टर्स हैं वो नाइन्थ में कर दिए गए हैं और हाफ चैप्टर जो है वो आपके मैट्रिक में कर दिए गए हैं। उमूमन बच्चे क्या करते हैं, टैलेंट पेपर ख़रीदते हैं, गाइड बुक्स ख़रीदते नहीं हैं, टेक्स्ट बुक को फॉलो करते नहीं हैं और टैलेंट पेपर ख़रीदा और 10 के 10 साल याद करके चले गए। कुछ साल ऐसे होते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो मैट्रिक क्लास से है, अभी बुक तो आपकी वही है, सिलेबस तो आपका चेंज कर दिया गया है ना। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो नाइन्थ में आएंगे, बाकी रिमेनिंग बाद में आएंगे। चलें खैर, अपना टाइम ज़्यादा किए बगैर बढ़ते हैं आगे। पहले आप लोग टॉपिक्स को जो है नोट डाउन कर लें। नवीं जमात आर्ट्स ग्रुप जनरल ग्रुप का टारगेट पेपर साइंस ग्रुप का शेयर किया जा रहा है, जनरल साइंस का शेयर किया जा रहा है। ठीक है जी, हम मेहनत करते हैं जैसे कि लिखा है, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। पहले आप टॉपिक देख लीजिए, इंट्रोडक्शन एंड रोल्स ऑफ सोसाइटी, आवर लाइफ इन केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैन एंड हेल्थ डिजीज़, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपके पास आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट में साइंस में, ये 5-6 चैप्टर्स आपके का सिलेबस का हिस्सा हैं। उर्दू मीडियम वाले देख लीजिए, तारुफ और साइंस का किरदार, हमारी ज़िंदगी और कीमिया, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंसान और सेहत, बीमारी वजूहत और एहतियाती तदाबीर, माहौल और कुदरती वसाइल। बेटा इन टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आपके टैलेंट में कोई क्वेश्चन आएँ तो आप 110% उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा MCQs करने की ज़रूरत नहीं है जिसका ताल्लुक आपके सिलेबस से ना हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हिस्सा अलिफ में आपके MCQs दिए गए हैं, इसकी तैयारी आपने मॉडल पेपर, पास्ट पेपर्स और टेक्स्ट बुक से करनी है। पास्ट पेपर से भी सिर्फ उन टॉपिक से करनी है जैसे कि 2022, 2021, 2023 और आने वाला पेपर तो आपका 24 में वो होगा जो आपका पेपर होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, अच्छा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो माजरत है, ये मुख्तसर में देखते हैं कि नुक्ते नहीं डले हुए तो माजरत है। ठीक है जी, हिस्सा जेम जीम जो है वो तफसीली जवाब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, हिस्सा बे सेक्शन भी जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर मुबनी होगा। अच्छा, आपने पता है क्या करना है, आपके पास अगर अहमर सीरीज़ है, फैसल मॉडल टेस्ट पेपर है, बच्चों के पास इकरा सीरीज़ है, वॉट एवर कोई भी गाइड आपके पास मौजूद है, स्टार्टिंग की तमाम गाइड्स बेहतरीन है, यूसवी साहब की है, नासिफ रोज़ पब्लिशर की है, जो भी आपके पास गाइड्स मौजूद हैं उनके स्टार्टिंग में चैप्टर में जो MCQs आपको दिए गए हैं ना बेटा वो बेस्ट है। अगर आप उतने भी कर कर चले जाते हैं ना, चैप्टर 5 चैप्टर्स के MCQs को देख कर आप चले जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हुए जिनके पास इस तरह की बुक्स मौजूद हैं तो मैं उनसे पिक्चर्स मंगवा के एक बेहतरीन सा PDF बना कर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। वादा नहीं करती, बार बार बोलती हूँ, कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह ज़बरदस्त, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर दूँगी ताकि ईजिली आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकें। मॉडल पेपर के MCQs भी सॉल्व करवाऊँगी, साथ में पास्ट पेपर के MCQs भी सॉल्व करवाऊँगी जो आपके 2-3 सालों वाले हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं हिस्सा, पहले हिस्सा बे और जीम मतलब सेक्शन बी और सी के कुछ क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे करके यहाँ पर शेयर किए हैं, तो आपने इस पूरा याद कर इसी तरीके से अपने टारगेट पेपर को अपने डिज़ाइन करना है कि 3 दिन में मैं ये याद करूँगा, 4 दिन में ये करूँगा। देखिए बेटा, गैस पेपर तो आपको हर कोई दे देगा, लेकिन जो मैं शॉर्ट एंड ट्रिक्स आपको बता रही होती हूँ, टिप्स ट्रिक्स दे रही होती हूँ, उसको आपने फॉलो करना है, ये बड़ा अहमियत रखता है। ठीक है जी, साइंस क्या है, इसकी शाखों के नाम लिखिए और किसी दो को तफसील से बयान कीजिए। आप यकीन जानिए जनरल साइंस का पेपर एक चुटकी बजाने वाला पेपर है और आपके तमाम सब्जेक्ट, जब साइंस वाले बच्चों से आप पूछेंगे उनको कितना याद करना पड़ता है, कितनी डेरिविजन्स, कितने न्यूमेरिकल्स को देखना पड़ता है, आपका तो सिलेबस ही नहीं है। कोई आपको कहे ना कि हमें, हमारे ज़माने में कोई हमें कहता कि ये 15-20 सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप ये याद करें, पेपर इसमें से ही आएगा, आप यकीन जानिए हम घोल कर पी जाते। उस टाइम पर भी हम अपनी मेहनत खुद करते थे, हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होती थी और एक गवर्नमेंट स्कूल का बेहतरीन टीचर हमारे पास होता था,
हम उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करते थे। आजकल बच्चों को हलवा मिल रहा है, पका पकाया हलवा मिल गया है, और खाने में भी मसला है, देखो ना भाई, खा भी नहीं सकते। इतनी बेहतरीन आप लोगों को गाइड कर दिया गया है, सिर्फ आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है बच्चा। साइंस क्या है, इसकी शाखों के नाम लिखिए और इसको दो को तफसील से बयान करना है। व्हाट इज़ साइंस, ने मेनी फूड ब्रांचेस ऑफ इट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट दे डील विथ। नर्वस ब्रेक डाउन या असाब शक्नी, किससे क्या मुराद है, इसकी इकसाम और वजूहत की निशानदेही कीजिए। व्हाट इज़ नर्वस ब्रेक डाउन, मैंशन इट्स टाइप एंड देयर कॉजेज। खून के खलियात की साफ़ सुथरी शक्ल बनानी है आपने, ठीक है। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ब्लड सेल्स। अच्छा भाई, साथ साथ उतार लीजिए, पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको इसका, ठीक है जी। आपने इसको उतारना है यहाँ से, बहुत सारे ऐसे चैनल्स वाले हैं इसको कॉपी करके और अपना चैनल नाम लिख कर जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि अभी आप लोग यहीं से इसको नोट करेंगे। अच्छा जी, डेयरी फार्मिंग, और इस तरह जब आप लिखेंगे ना, मेन चीज़ ये भी है कि जब आप इसको लिखेंगे तो आपको याद रहेगा टीचर ने वाला क्वेश्चन हमें लिखवाया था। डेयरी फार्मिंग से हासिल होने वाली 5 अशिया के नाम लिखिए और किसी दो को मुख्तसर बयान कीजिए, मतलब 5 मेन जो है आपके प्रोडक्ट डेयरी फार्मिंग, डिस्क्राइब एनी 2 ब्रीफली। लिखने जो है आपने 5 के नाम है और बयान 2 को करना है। वर्जिश के कोई 5 फवाइद, 5 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है जी। तेजाबी बारिश पर मुख्तसर नोट लिखना है आपने। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन, समझ में आ गया। खून के मुख्तलिफ अज्जा के नाम लिखिए और इनमें से किसी एक को बयान कीजिए। नेम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। हार्मोन्स किसे कहते हैं, किसी 3 हार्मोन के नाम लिखिए और एक का एक एक काम बयान करना है, ठीक है। व्हाट आर हार्मोन्स, राइट द नेम ऑफ एनी 3 हार्मोन्स एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच। इसी तरह से आपका देखिएगा पेपर बन कर आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लॉन्ग तो आपका डायग्राम से कवर हो जाएगा, एक सवाल आपका लॉन्ग डायग्राम से कवर होगा, एक नोट से कवर होगा, बाकी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि हार्मोन्स हो गया, फिर वो मादनियात का सवाल आपको बताऊंगी, बहरूपियत बताऊंगी, एलोट्रॉपी जिसको कहा जाता है इंशाल्लाह, तो ये आपका कवर हो जाएगा। देखिए इन तमाम आपने जो डायग्राम मैं आपको दे रही हूँ, दर्ज जहल में से किसी दो की साफ़ सुथरी शक्ल बनानी है और लेबलिंग भी आपने करनी है। उन कोशिश क्या करें, लेबलिंग एक तरफ करें, राइट तरफ या साइड या लेफ्ट एक साइड पर किया करें। आपने नोट कर लें आपके निज़ाम तनफ्फुस, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आप लोग नोट करें। इंग्लिश वाले बच्चे, दिमाग की साथ क्या है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है। पौधों में गैसों का तबादला आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ही गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट है। पौधों में गैसों का तबादला जैसे कि आपके पास हो गया, यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट और बैक्टीरिया की खलियात हो गया, पौधों और हवा की नाली की अंदरूनी साख्त, ठीक है जी। आगे आ जाता है फेफड़े, ये हो गया वाटसन एंड क्रॉक का डीएनए मॉडल। लबलबा और छोटी आंत और नाइट्रोजन साइकिल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख ले, नाइट्रोजन साइकिल, पेंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, इंटर सर्कुलर रेस्पिरेशन, वाटसन एंड आपके पास क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, लंग्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ विंड पाइप, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, ठीक है जी, समझ में आया आपको। अब आगे देख लीजिए, मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, इसकी 2 हालतों के नाम लिखने हैं और तारीफ की करनी है। इंग्लिश वाले बच्चे देखें, व्हाट इज़ मीन बाय मेटाबॉलिज्म एंड राइट इट्स 2 फेज एंड डिफाइन दैम। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ क्यों जमी रहती है जबकि इसके नीचे बर्फ़ नहीं होती, एक रीज़न है आपके पास। वाई स्नो प्रेजेंट यूजली ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन एंड एबसेंट एट देयर बॉटम, ठीक है। लोहा फलात की 3 इकसाम तहरीर कीजिए और इनमें से किसी एक की साख बयान करनी है। नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ आयरन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दैम, ठीक है जी। आप जंजीरी तामूल के बारे में क्या जानते हैं, आपके पास यहाँ पे चेन रिएक्शन बताना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ चेन रिएक्शन, खामरे क्या हैं, मतलब इंजाइम्स क्या हैं, और हाजमे के 3 खामरे बयान करने, डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 खामरे बयान करने और उनके काम, उनके फंक्शंस भी बताने हैं, ठीक है जी। जैसे वाटर इंजाइम्स एंड द नेम ऑफ 3 डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कोई 10 नामियाती मरकबात के नाम तहरीर कीजिए। नेम एनी 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज इन डेली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ज़ियाई ताली से क्या मुराद है, ये अमरे तनफ़ुस बयान कीजिए। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड और एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन। अच्छा बेटा, मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं लिख देती हूँ ना या, तो आप कहेंगे कि मिस ने तो गैस में बोला था या ये करें या ये करें, तो करना आपने दोनों है। क्वेश्चन इस तरह से बनकर आ सकता है कि ज़ियाई ताली, फोटोसिंथेसिस या और रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने बड़ा अच्छा सा प्रिपेयर करना है, आप यकीन जानिए मैंने आपके इस टारगेट पेपर को बहुत मेहनत करके डिज़ाइन किया है। अगर आप इसको कर जाते हैं ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जवजल 1 in 10% गारंटी देती हूँ, सारा पेपर आपका इसमें से ही आएगा, ठीक है जी।
ज़ियाई तालीफ और अमली तहफ़ के माबैन पाँच फ़र्क बयान करने हैं आपने, ठीक है। राइट एनी फाइव डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ज़ियाई तारीफ की मसावत तहरीर कीजिए। इक्वेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपने बतानी है, ठीक है। अच्छा इंसानी जिसम, अरे ये जब आप फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर देखेंगे आपको वहाँ मिल जाएगी। इंसानी जिसम में पाए जाने वाले कोई पाँच अनासर के नाम लिखने हैं। राइट एनी फाइव नेम्स ऑफ एनी फाइव एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हवा में पाए जाने वाले बुनियादी अनासर का तनासु, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बतानी है कि नाइट्रोजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी है, वट एवर, इन तमाम का तनासु रेशियो बताना है आपने, आपको बुक में मिलेगा। गज़ा की तारीफ और इसके अहम अज्जा, कंपोनेंट्स बताने हैं फूड के, ठीक है। डिफाइन फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। माहौल से क्या मुराद है और कुर्रा हवाई किन गैसों से मिलकर बनती है और उनका तनासु बयान कीजिए। सवाल इस तरह भी आ सकता है, वॉट इज़ इन्वायरमेंट। राइट द परसेंटेज ऑफ वेरियस गैसेस एयर इज़ कम्पोज ऑफ। पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली तीन बड़ी फसलों के नाम लिखने, और इस तरह आ जाएगा कि तीन बड़ी फसलों के नाम लिखें और दो को एक्सप्लेन करें तो लॉन्ग में आ जाएगा। सिर्फ अगर शॉर्ट में आएगा तो बोलेगा जी पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली तीन बड़ी फसलों के नाम और किसी एक को मुख्तसर बयान करें, तो इस तरह शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ थ्री मेजर क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान। जी बेटा मूव करते हैं, सफ़ेद जिस्मी और सुर्ख जिस्मी है आपके पास, रेड ब्लड सेल्स और जब वाइट ब्लड सेल में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंस करना है, मवाजना करना है, फ़र्क आएगा, ठीक है जी। फिर आ जाता है डीएनए मॉडल क्या है आपके पास, वाटसन वाला करना है, क्रुक मॉडल जो है आपके पास। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसमें नोट आ सकता है और एक दो नोट और लिख लीजिए, मैंने इसमें ऐड करना था, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर नोट आ गया, ये सांप का काटना हो गया, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगा नोट। फाना पर नोट आ सकता है, इसकी इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अच्छा जी, जानदारों के लिए पानी की अहमियत के बारे में दो कुरानी आयात का तर्जुमा, ठीक है जी। राइट ट्रांसलेशन ऑफ एनी टू ऑफ द कुरानिक वर्सेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर फॉर लिविंग थिंग, ठीक है जी। ऑक्सीजन के पांच इस्तेमालात, फाइव यूजेस ऑफ ऑक्सीजन आएगा। जरासीम पे फैलने के पांच मुख्तलिफ तरीके तहरीर करें, डिफरेंट स्प्रेडिंग वेज ऑफ जर्म्स। हेपेटाइटिस क्या है, इसकी एहतियाती तदाबीर बयान कीजिए, वॉट इज़ हेपेटाइटिस। राइट डाउन द प्रिकॉशनर होता है ना, प्रिकॉशंस कहते हैं अलामत को, एहतियाती तदाबीर को, ठीक है जी। प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट इट, हमारे माशरे पर साइंस के असरात, वॉट राइट द इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन अवर सोसाइटी। पानी के बेकायदा फैलाओ से क्या मुराद है, इसकी कोई तीन मिसालें तहरीर करें, वॉट डू यू मीन बाय एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। राइट इट्स थ्री एग्जाम्पल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, मतलब बे नाली वाली हुदूद किसे कहते हैं, और कोई से तीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनमें से खारिज होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखने हैं, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। राइट द नेम ऑफ थ्री एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स दे सीक्रेट। अच्छा जी, मुतलिक बीमारियों से बचाव के कोई पाँच तरीके हैं और उनकी हिफाजत तदाबीर बयान करनी है, ठीक है जी। इन्फेक्शन डिजीज जो होती हैं और अवॉइड करना है उसको, यहाँ पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड इन्फेक्शन डिजीज़, ठीक है जी। फाइव आपने एक्सप्लेन करनी है। पाकिस्तान के चार अहम सनतों के नाम लिखने हैं। राइट द फोर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड डिस्क्राइब वन ऑफ दैम इन डिटेल। किसी एक को तफसील से बयान करना है, चार अहम सनतों के नाम लिखने हैं, उर्दू में लिख लीजिएगा और एक को तफसील से बयान करें, लॉन्ग में आ सकता है। जाबिर बिन हयान के कारनामे शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है जी। तब देखो तो खसरा तशन्नुज के दो असबाब, दो अलामत, चार एहतियाती तदाबीर। causes of symptoms of preventive measures against any one of the following disease। अच्छा यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, ये खसरा वसरा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में दर्ज है, में से चार की तारीफ आपने बयान करनी है। हार्मोन्स हो गया, रोगनियात हो गया, मादनियात, गज़ा, हदूद, कार्बोहाइड्रेट, हेपेटाइटिस, मुतवाजन गज़ा, सक्रोज, ग्लूकोज एंड मॉन्टोज। हार्मोन्स रोगनियात को लिपिड्स कहा जाता है, मादनियात को मिनरल्स कहा जाता है, गज़ा सबको पता है फूड है, हदूद ग्लैंड को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हेपेटाइटस, मतवाजन गज़ा बैलेंस फूड को कहते हैं, बाकी सुक्रोज ग्लूकोज और माल्टोज हमारे वाले ही हैं जी। जनाब माशरे पर साइंस की मुफीद और मुज़र असरात बयान करने हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन द सोसाइटी। अल्लाह ताला ने इंसान को कौन से दफाई निज़ाम जो है वो बख्शे हैं, तहरीर करें। राइट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग हैज़ गिफ्टेड बाई गॉड। राइट डाउन चार मुख्तलिफ तरीके बताएं जिनसे जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर नुकसान पहुँचाते हैं। एक्सप्लेन फोर डिफरेंट वेज इन विच जर्म्स इंटर योर बॉडी एंड कॉजेज हार्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, इनकी दो हालतों के नाम और तारीफ बयान करनी, मतलब दो टू फेजेस बताने,
और उनमें से जो है उनके उसकी दिलचस्प डेफिनेशन करनी है। असाबी खलल और ज़हनी मर्ज इसको कहते हैं ना, न्यूरोसिस के कॉजेज़ भी आपने बताने हैं। अच्छा जी, एंटीबायोटिक के 3 फ़ायदे और 2 नुकसान बताने हैं आपने, ठीक है। आगे आ जाओ, सोडियम के 5 अहम मरकबात, नेम फॉर इम्पॉर्टेंट सोडियम कंपाउंड बताने हैं और उनमें से किसी एक का एक इस्तेमाल भी बताना है। ऑल्सो राइट देयर यूजेस, फ़िज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है और इसके 3 असरात बयान कर दें। व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन, ऑल्सो राइट देयर इफेक्ट्स ऑफ आवर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन समझ में आया आप लोगों को। फिर आ जाता है हमारे पास जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज एक वर्जिश है बयान करें, नमाज द गुड एक्सरसाइज डिस्क्राइब, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुअज़्ज़र वजाहत करें, स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ एक्सप्लेन, साइंस और टेक्नोलॉजी की तारीफ बयान कीजिए, किसी 4 टेक्नोलॉजी के नाम लिखिए, ठीक है जी। डिफाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 टेक्नोलॉजीज, साइंस की हदूद बयान करें, लिमिटेशंस ऑफ साइंस, वैक्सीन लाखों इंसानों की जिंदगियां कैसे बचा रही है वजाहत करें, राइट हाउ वैक्सीन हैव बीन सेविंग द लाइफ ऑफ मिलियंस, दिल के दौरे में इब्तदाई तबी इमदाद कैसे बयान करनी है जी, डिस्क्राइब द फर्स्ट एड ऑफ हार्ट अटैक, बहरूपियत क्या है, कार्बन की 2 बहरूपी अशकाल की खूबसियात तहरीक कीजिए, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी प्रॉपर्टीज एंड द 3 यूजेस ऑफ डायमंड, आबो हवा और मौसम के दरमियान फ़र्क बयान करना है आपको। अच्छा जी, आगे आ जाओ और उन अवामिल के नाम बताइए जो आबो हवा के की तब्दीली का बाइस बनते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, देखो आबो हवा और मौसम में फ़र्क आ गया, और नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्लाइमेट डेंजर्स, ठीक है, जो कि आबो हवा की तब्दीली का बाइस बनते हैं, ठीक है जी। What is environment, right? The ratios of the gases that make up the air, ठीक है जी। आगे एड्स बीमारी की 2 अलामत और 3 वजूहत, ठीक है, सिम्टम्स बतानी है एड्स की 2 और की 3 वजूहत, कॉजेज भी बताने हैं। बड़े शहरों में आलूगी किस तरह पैदा होती है, इसके मदर असरात लिखे, मैंने ऊपर भी दे दिया था ये आपको। हीरे और ग्रेफाइट के 3 खास और 3 इस्तेमाल आपने करने हैं, ठीक है। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 यूजेज ऑफ डायमंड, ठीक है, यूजेस भी करने हैं इसके, और खास फंक्शंस को ही कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ को ही कहते हैं खास। बहुत मुदाफियत क्या है, किसी शख्स में बीमारी से मुदाफियत के 2 तरीके, ठीक है। व्हाट इज इम्यूनिटी क्या है, 2 वेज टू इम्यून पर्सन टू अ डिजीज़, तवानाई के ज़रे बयान कीजिए, या चंद ऐसे तरीके बताने हैं आपने जिनसे तवानाई को महफूज कर सकते हैं। डिस्क्राइब सम मेथड बाय विच वी कैन कंजर्व एनर्जी, जी जनाब मैंने बेटा ये रिकॉर्डिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट की है। अभी बताने का मकसद ये है कि मैंने सहरी के बाद कहीं इसको बनाया और कहीं नींद में मैं सो गई थी, और पता नहीं क्या इसमें मैं बोलती रही हूँ, आपसे बातें करती रही हूँ, तो फिर जब मैं इसको अपलोड करने लगी तो मुझे एक नज़र, मैंने कहा इसको देख लेती हूँ कि कुछ इसमें कोई मिस तो नहीं हो गया चीज़, लेकिन वो पता नहीं मैं आपसे क्या बातें करती रही हूँ उल्टी सीधी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी नहीं मिस आप अभी हमें दें, तो वो नींद में ही मैं आपसे बातें करती रही और रिकॉर्डिंग जो है वो चलती रही है। तो अभी अब शुक्र है मैंने अपलोड करने से पहले देख लिया, नहीं तो आप लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे कॉमेंट करने थे, ठीक है बेटा। और आगे ईद आ रही है, ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए अगर मैंने बना ही लिया गैस पेपर आप लोगों के लिए तो शेयर भी कर देती हूँ। बाकी का जो वॉइस ओवर रह गया मैं आपको अपने होश व हवास में दे रही हूँ, इससे पहले जो भी मैंने दिया अब जो अगर उस पर कोई मिस्टेक है तो माजरत। अच्छा जी, आ जाते हैं नमाज की अदायगी किस तरह उम्दा सेहत के लिए मावन होती है वजाहत करना है, ठीक है जी। डिस्क्राइब एज टू डस प्रेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ, ज़िंदगी की तश्कील करने वाले बुनियादी अनासर बताने हैं। राइट द नेम ऑफ द बेसिक एलिमेंट दैट मेक अ लाइफ, नाइट्रोजन साइकिल बताना है आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ, जब तक के लिए सारे जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।